वहाँ से चूल्हा हम लोग यहाँ कर दिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो रहा था बारिश में बनाने से, और यहाँ पे हम लोग तिरपाल छाड़ दिए, इतना भी बन जाएगा और बारिश से भी बच जाएगा, इसलिए प्लास्टिक। तू पिएगा बेटा? क्या पिएगा? मार भात खाएगा? बहुत ज्यादा टेंशन लग रहा है। हम लोग ना चार तरफ से समझे ना कि घेरा चुके हैं, क्या कर चले दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, तो स्वागत है दोस्तों निशा संजीत ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, आप सभी को पूरे फैमिली की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या खाने का मन कर रहा है बेटा सुबह सुबह? पिज्जा खाएगा। पिज्जा खाने का मन कर रहा है दोस्तों आदि बाबू को, लेकिन हम लोग कभी नहीं खाए दोस्तों। कैसा होता है पिज्जा देखे, मतलब मोबाइल में देखे फोटो, लेकिन खाए नहीं दोस्तों अभी तक। कैसा लगा? आप लोग कोई भी ना हमारे यूट्यूब फैमिली का पिज्जा पार्सल कर दीजिए, हम खा लेंगे आराम से घर। और दोस्तों हमारे यहाँ मौसम बहुत सुबह सुबह देखे एकदम सुहाना हो रखा है, एकदम पूरा बरसात का ही, रात से ही बारिश हो रहा है, अभी भी मतलब फलासी पड़ रहा है, महीन महीन बूंदा बूंदा। कैसे हम खाना बनाएंगे भगवान जाने चूल्हे। हमारा चूल्हा भी हल्का हल्का पीला हो रहा है, पीला हो गया दोस्तों। देखिए उधर गाय है पूरा एकदम, देखिए दोस्तों गाय उस तरफ बना हुआ रहता है, वहाँ से दूध हम लोग को लाते हैं, वहाँ से नहीं लाते दूसरी जगह से लाते हैं। और पूरा हरियाली हो गया दोस्तों बारिश के वजह से ना, ठंडा ठंडा मौसम, बहुत मजा आता है दोस्तों ठंडा ठंडा मौसम। और सारा घर का काम हो चुका, बस यहाँ पर अभी पर्व, अभी दोनों बहन मिल करके एक पटल छील रही है तो एक पटल काट रही है दोस्तों, भुजिया बन रहा है। आज हमारे घर में पटल का भुजिया बनेगा, झाड़ू मार दी, गरम झाड़ू लगा दी, दोनों लोग ऐसे मिलजुल कर काम कर लेंगे। चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए कंटिन्यू। तो दोस्तों देखिए काफ़ी समय हो गया है और बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा दोस्तों, धीमे 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 पड़ ही रहा दोस्तों। और देखिए तो पूरा गीला हो चुका है। देखिए निशा जी अभी काम कर रही है और इधर खाना बना रही है दोस्तों। वहाँ से चूल्हा हम लोग यहाँ कर दिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो रहा था बारिश में बनाने से, और यहाँ पर हम लोग तिरपाल छाड़ दिए दोस्तों। वहाँ मतलब तिरपाल को ना छाड़ने में बना है, वहाँ पे नहीं बन रहा था तो इसलिए हम लोग ऐसे ही मतलब कर दिए हैं। कितना अच्छा मस्त एकदम इसके नीचे मतलब बन रहा है खाना दोस्तों, देखिए देखिए। और दाल और भुजिया हमारा बन चुका है, बस अब भात बन रहा है। और देखिए हमारा चूल्हा भी जो कि ना फूट गया दोस्तों, वहाँ से यहाँ पर करने में ना फूट गया चूल्हा, और कितना मस्त एकदम हमारा छपरी रियन लग रहा है, देखो ना जी ये मस्त एकदम। क्या तिरपाल गाड़ के बारिश से बचने का जुगाड़ दोस्तों, जुगाड़ लगा दिए हैं दोस्तों, करने लगे। अब खाना भी बन जाएगा और बारिश से भी बच जाएगा, एलिवेस्टर चढ़ाने कहाँ से उतना पैसा लाएंगे, इसलिए प्लास्टिक खड़ी लगा दिए। सोचे चलो प्लास्टिक, हस्बैंड भी दिमाग दिए, मेरे हस्बैंड भी ना दोस्तों कुछ भी ना बिगड़ा हुआ चीज को ना सोचते, तुरंत से सलूशन घर पे ही निकाल दे, बाहर का जल्दी जुगाड़ नहीं बेटा तुम। चलिए सब लोग ब्लॉग में बने रहिए, और कितना अच्छा मतलब छाड़ दिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और इसको सही से कर देंगे, और बढ़िया से कर देंगे। हाँ चावल भी हो गया जी, काम चला रन से बन गया चावल भी। हाँ ये बन गया चावल। तो दोस्तों चलिए अब हमारा भात भी हो चुका है, और हम चलते भात को मार पसाने। मार पसाने दोस्तों, देखिए हमारा पर ही बन चुका है, और मार को इस तरह से गाड़ लेते, सारा मार को चावल से निकाल लेते कुकर में भी। कैसे मस्त एकदम मार पस रहा है दोस्तों। तू पिएगा बेटा? क्या पिएगा? मार भात खाएगा? नहीं दाल चावल बना बेटा। आदि बाबू कह रहा है कि हम मार भात ही खाएंगे, सर्दी उर्दी हो जा रहा है ना बारिश की। और दोस्तों मार ना फायदा का चीज भी होता है। हाँ। मार खाना चाहिए। और हमारा चूल्हा फूट गया दोस्तों, देखिए इधर पूरा सब आपके गलती के कारण कैसे फूट गया, अब इसको लग रहा नया बनाना पड़ा, खाना हम बनाए ना, लेकिन अभी 16 तारीख के बाद से बनेगा नया, क्योंकि लौंद अभी चल रहा है, लौंद में मतलब नया चूल्हा नहीं बनाया जाता, आसीन में बनाना चाहिए जो दुर्गा पूजा का टाइम होता है। 15 दिन किसी तरह जुगाड़ से मतलब इसको बनाना है किसी तरह खाना, दिक्कत सिक्कत से इसको रिपेयरिंग कर देंगे। हाँ तो दोस्तों आप लोग तभी में तो देखे कि हम खाना बना रहे थे चूल्हे में, और खाना ही बन गया हमारा, और हम नहा धोवा लिए हैं देखिए, और बाल उल भी अच्छे से झाड़ चुके हैं, और देखिए यहाँ पर बिटिया रानी भी नहा कर मस्त रेडी हो गई है। हाय कदा है, हाय कदा। तो दोस्तों बिटिया रानी मस्त खिलखिला रही है, और इधर आदि बाबू
और हस्बैंड जी ना सो गए थे कि सुबह खाना वाना भी खा लिया और सो गए। आदि सुनो तो बेटा, क्या कर रहा था? फोटो खिंचा रहा था अभी ना, अभी रेडी हुआ आदि, काजल वजल लगाया और बिटिया रानी को भी तैयार कर दिए थे, तो बोला मामा फोटो खींच दो फोटो। तो अभी आदि बाबू का और बिटिया रानी का दोनों लोग का फोटो खींच दिया। पर ये बहुत बदमाश करती है, फोटो खिंचा तो लेती है पर आदि इसको पकड़ रहा था ना तो ये आ ही नहीं रही थी, नीचे उतर उतर जा रही थी। तो चलिए फ्रेंड, दोस्तों देखिए निशा जी अभी बर्तन धोने जा रही है और सभी लोग का खाना पीना भी हो गया है। और कैसे तो आज बारिश अभी छूट गया है दोस्तों ना, और हम लोग खाना ना खा लिए हैं दोस्तों। और अभी निशा जी बर्तन धो रही है, कारी खोला देखिए दोस्तों दिखाइए, इतना जला जला छुड़ाना पड़ता डेली, और डेली मतलब साफ करना पड़ता। और तो कढ़ाई वढ़ाई सबको ना हाँ धो दिए थे, तो भाई जिस टाइम बनाए थे उसी टाइम देख सकते, इतना मेहनत करना पड़ता। दोस्तों देखिए सुबह हो चुकी है और कल शाम में ऐसे खाए पिए सो गए दोस्तों, आप सभी को दिखा नहीं पाया कुछ। और यहाँ पे सुबह ही सुबह ही देखिए दोस्तों हमारे घर में यहाँ पूरा बरसात का एकदम रात से बारिश हो रहा है, रात ही से बारिश हो रहा है, कल भी आप पूरा ही बारिश हो रहा है दोस्तों देखिए, ये देखिए पूरा झमाझम बारिश हो रहा है दोस्तों, ये देखिए निशा जी जा रही है बारिश में, ये देखिए पानी पी रहा पूरा दोस्तों। और दोस्तों देखिए बारिश में और बाल बाल तो पूरा खोल चुके देखिए, पूरा झमाझम बारिश पड़ रहा है। अगर मैं चल चूल्हे बन जाएंगे तो बन जाएगा तो हमारा क्या तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि हमारा चुड़ैल वाला लुक कैसा लग रहा है। और ये वाला वीडियो थोड़ा लेट आएगा दोस्तों, हमारा वीडियो को थोड़ा क्या करें फ्रेंड, बना नहीं पाए थे आज, और बारिश का मौसम में कुछ दिमाग ही नहीं काम करता दोस्तों कि क्या करें क्या नहीं करें, घर से निकलने ना खाने ना, रूम में क्या बनाए दोस्तों, रूम का रूम क्या चीज देख अच्छा नहीं लग रहा, खाना ही बनाने पहले चलते हम नहाने के लिए। हाँ तो बिटिया रानी देखिए क्या कर रही है, बिस्किट के खेल रही है ये देखिए, अब अपने से मतलब ये ऐसे मतलब बैठ जाती है दोस्तों, ये देखिए आप देखिए चलना भी सीख जाएगी धीरे धीरे मेरे बिटिया रानी ना बेटी, ये देखिए दोस्तों बिटिया रानी खड़ा हो गई है अपने सहारे में। दोस्तों देखिए बारिश भी अभी तक नहीं छूटी और हम नहा लिए, और आज सोमवार था तो नहा कर पूजा कर ली है, कैसे खाना होना दाना पानी चलेगा, काम भी नहीं जा पा रहे हैं। दोस्तों बारिश भी कल से ही इतना गिर रही है, कल से ही बारिश गिरे जा रहा है, टिप 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 पड़ते ही जा रहा है, हमारा किशमिश भी आया था ना खराब भी ना हो जाए, वही डर है कि खराब तो इतना जल्दी नहीं होगा दो दिन में, पर फिर भी बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी देखे थोड़ा सा बारिश मुरझाया और देखिए फिर से बारिश आ गया, फिर देखिए रिमझिम रिमझिम नीचे में पता चल जाता है बारिश आ रही है ना, तो मैन मैन सा आता है फिर एक ही बार गाढ़ा हो जाता है, देखिए आप लोग को भी नहीं उतना समझ में आता होगा, और क्या कर फ्रेंड समझ में नहीं आ रहा एकदम ना, लगता है कि अपने आप क्या कर रही है ऐसा लगता है। बिटिया रानी अभी सो ही है और अभी क्या बताएं आप लोग को, बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा है, हम लोग ना चार तरफ से समझे ना कि घेरा चुके कि क्या करें। चलिए दोस्तों ये वीडियो कहीं तक रखते हैं, और वीडियो में अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और तो यहाँ तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।